मांझी से है, जहां यूपी बिहार को जोड़ने वाले जयाप्रभा सेतु के सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण गुरुवार को सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने निर्माण कार्य में लगे कारीगरों आदि से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जून माह के अंत तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 साल तक इस पर दोबारा मरम्मति की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आवागमन पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने जेल के वरीय पदाधिकारियों को फोन करके जर्जर अप्रोच सड़क की शीघ्र मरम्मति का निर्देश दिया, ताकि आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि सेतु पर समारोह पूर्व आवागमन का शुभारंभ किया जाएगा। समारोह में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी शामिल होंगे। सांसद के साथ निरीक्षण में भाजपा नेता हेम नारायण सिंह, धर्मेंद्र सिंह समाज, मनोज प्रसाद, अमरजीत सिंह तथा बद्रे मुनीर खान, बबलू शर्मा, सूर्य प्रकाश तिवारी आदि भी मौजूद थे। सांसद महोदय, किन बातों को लेकर आप जयप्रभा सेतु पुल पर आए? देखिए, जयप्रभा सेतु बने हुए वर्षों हो गए, लेकिन बीच में कुछ वर्षों से यह काफ़ी डैमेज स्थिति में था, और ऐसा डैमेज था कि लगता था पुल पर जब गाड़ियां चलती थी तो पुल लगता था कि बीच में ही कहीं ना बैठ जाए, छोटी गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता था, गाड़ी फंस जाती थी और फंसने के एवज में काफ़ी परेशानी होती थी। लोग उतर करके या तक्षेल करके निकालते थे, या ट्रैक्टरों से छोटी गाड़ियों को निकालना पड़ता था। छोटी चार चक्के की गाड़ी या मोटरसाइकिल निकल नहीं पाती थी। यह तमाम चीज़ों से लोग त्रस्त थे, परेशान थे, चाहे यात्री हों, चाहे भाड़े की गाड़ी हों, चाहे बड़े बड़े जो वाहन हैं जो मटेरियल को इधर से उधर ले जाते हों। इस पर जब ध्यान गया तो इस लोकसभा में यह मैटर आया, और ये मैं इसके लिए मीडिया के मित्रों को मैं बधाई दूंगा। मीडिया के मित्रों ने भी काफ़ी उस चीज़ को, उस जनता के परेशानी को उठाया, हम सब के संज्ञान में था ही। फिर इस लोकसभा में आया तो तुरंत माननीय मंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया और इसके लिए अलॉटमेंट किया, और ये आज यह अब पुल एक अच्छा तरीका से फिर बनकर के तैयार हो रहा है। इसका आगे आने वाले 15 सालों तक बिना कोई रोक टोक का लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यह नए तरीके से इसको बनाया गया। आप देख रहे होंगे कि बगल में उसका सरिया यानी जो छर और सीमेंट इत्यादि लगा था उसको हटा करके मैटिंग का काम, रबड़ इत्यादि दे करके इसको और फिनिश करने का काम किया गया। और आज ये जब यह पुल बन करके तैयार जब हो रहा है, आगे आने वाले कुछ दिनों में यह पुल जब बड़े वाहनों के लिए खुल जाएंगे, तो आज जो बड़े वाहनों को आने में, जो अगर छपरा कोई माल मंगाता है बलिया और इधर से, उसको लगभग 10,000 से ज़्यादा एक ट्रक पर ज़्यादा उसको किराया देना पड़ रहा है। इधर से जाने वाले लोगों को उधर ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। अगर हम पूरे इतने दिन के कालखंड का जोड़ें तो करोड़ों रुपया अलग से हमारे उन कंट्रेक्टरों का बर्बाद हुआ है, उन निर्माणकर्ताओं का बर्बाद हुआ, चाहे वह पुल का निर्माण कर रहे हों, चाहे वह सड़कों के निर्माण में लगे हों, चाहे अन्य स्तर से अपने, चाहे वह गिट्टी हो, स्टोन हो, बड़े मटेरियल हो, सीमेंट इत्यादि मंगाते हों, चाहे बालू इधर से जो जाता है, इस पर सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भाड़े के रूप में व्यय करना पड़ा है, जो करोड़ों के हिसाब में होगा। वह जैसे ही पुल बन करके तैयार हो जाएगा आने वाले एक दो दिन में, तो उनको वह भी लाभ मिलने लगेगा और वह पहुँचने का समय भी कम हो जाएगा, तो इसका एक व्यापक लाभ लोगों को मिलेगा। मैं इससे कार्य के लिए मैं अपने इस विभाग के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, इस दोनों राज्यों के अधिकारियों को भी, विभाग से संबंधित लोगों को भी मैं बधाई दूंगा। मैं यह पुल जब जिस भाव से बना था, वह बीच में जो लोगों को कष्ट और परेशानी हुई है, हमें लगता है कि वह सबके लिए वह परेशानी की बात थी, लेकिन पुनः जिस भाव से बना था वह भाव पुनः लोगों के लिए वह एक आशीर्वाद के रूप में, वह जयप्रभा सेतु जिस तरीके से जिस भाव था, वह लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मैं यह जल्द से जल्द चालू हो जाए, 2-3 दिनों में जो यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया है, इसके एसी एग्जीक्यूटिव ने जो बातें हुई वो बताया इनके अधिकारियों ने, कि यह मैक्सिमम 4 से 5 दिनों में यह चालू होने की स्थिति में है। बीच में बरसात हो गई, और बरसात नहीं होती तब पहले चालू हो गया रहता,
बीच में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के वजह से भी इनको थोड़ा सा परेशानी हुई। अगर लॉकडाउन भी नहीं हुआ रहता और तब भी यह पहले ही चालू हो गया रहता, लेकिन उसके बाद भी यह रात दिन एक कर करके लगे हुए हैं। तुरंत यह लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बड़े वाहनों का आना जाना पहले के जैसा उसका शुरू होगा। बगल में अप्रोच भी छपरा की तरफ जो जाती है, अप्रोच भी थोड़ा अभी जर्जर स्थिति में है। मैं उनके बड़े अधिकारियों से मैं अभी बात करूंगा, तो अप्रोच को भी तुरंत या पुल शुरू जैसे हो रहा है उसके पहले अप्रोच को भी ठीक कराने का वो प्रयास करें, काम करें। और मैं पुनः इस काम के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री, विभागीय मंत्री और दोनों राज्यों के संबंधित पदाधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।